हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बोट में आप अपना रिफंड कैसे ले सकते हो अगर आपका ऑर्डर कैंसिल हुआ है, या आपका ऑर्डर आप तक का नहीं पहुँचा है, या आपने रिटर्न कर दिया है। फ्रेंड्स, तो आपको अपना रिफंड कैसे लेना है, तो मैंने कैसे लिया वो भी आपको यहाँ शेयर करने वाला हूँ। जो आपको मैं बताने वाला हूँ उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, 100% आपका जो रिफ़ंड है आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, मुझे भी मेरा रिफ़ंड मिला था, वैसे आपको भी मिल जाएगा। तो गाइज देखिए, इधर नीचे थ्री डॉट है, थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है, ये बोट के ऐप से आपको करना है। तो लॉगिन हो जाना है और थ्री डॉट पे आपको क्लिक करके वारंटी एंड सपोर्ट पे क्लिक करना है। तो गाइज यहाँ वारंटी एंड सपोर्ट आपको दिख रहा है, उस पर क्लिक करके 2 से 3 सेकंड आपको रुकना है, क्योंकि ये लोड होता है। गाइस, लोड होने के बाद देखिए आपको ऐसा पेज शो होगा। तो अब आपको स्क्रॉल अप करना है। स्क्रॉल अप करने के बाद गाइस यहाँ देखिए कॉन्टेक्ट अस लिखा है, यहाँ हमें ईमेल आईडी दिख रही, इस पर आपको क्लिक करना है। info@theimagemarketing.com है गाइस इंडिया। तो आपको उस पर क्लिक करते साथ आप जीमेल पे पहुँच जाते हो, और जो अब इधर कंप्लेंट लिखने बता रहा हूँ सेम टू सेम आपको लिखना है, 100% आपका रिफंड गाइस आपको मिल जाता है। तो यही ऐसे ही आपको कंप्लेंट करना है, तो मैंने ऐसे ही किया था गाइस, तो मेरा रिफंड मुझे मिल गया था। तो आपको सबसे पहले डियर सर मैडम लिख लेना है, उसके बाद आपको अपना नेम लिख लेना है। तो आपका नेम फ्रेंड्स वही होगा जिस आप ऑर्डर करते समय दिए थे, आपका नेम वो आपको सेम टू सेम लिख लेना है। अब आपको मोबाइल नंबर डालना है, आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है बोट के अंदर वही डालना है। तो आपको देख लेना है आपने कौन सा मोबाइल नंबर दिया था, सेम टू सेम आपको गलत मोबाइल नंबर नहीं लिखना है, वही नंबर लिखना है जो आपने बोट में दिया था। अब इसके बाद आपको एक लाइन छोड़ के यहाँ कंप्लेंट लिखना है। तो गाइस क्या लिखोगे, सेम टू सेम जैसा मैं बता रहा हूँ उसको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, और वही जो आपको बताऊंगा वही करना है, 100% आपका रिफंड मिल जाएगा। गाइस आप यहाँ चाहो तो अपना ऑर्डर आईडी भी लिख सकते हो, अगर आपके पास ऑर्डर आईडी नहीं तो आप अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए, अगर ऑर्डर आईडी है तो प्लीज़ अपना ऑर्डर आईडी मेंशन कर दीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, आई एम कैंसल माई ऑर्डर बट माई रिफंड नॉट रिसीव टिल नाउ लिख देना। अगर आपने ऑर्डर कैंसिल किया है तो ही ऐसा लिखना है। मैं दूसरा भी बताने वाला हूँ आपको, अगर आपका रिटर्न हो गया या आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया, तो कोई भी आपका प्रॉब्लम हुआ हो उसका रिफंड आपको कैसा लेना है, तो सेम टू सेम आपको वही लिखना है जो आपको प्रॉब्लम हुआ है। अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया तो गाइज आपको लिखना है, माय ट्रांजैक्शन वाज फेल, प्लीज़ रिफंड माय मनी, ऐसा आपको लिख लेना गाइज। अगर आपका रिटर्न हुआ है तो आई एम रिटर्निड माय ऑर्डर, प्लीज़ रिफंड माय मनी, ऐसा लिख लेना है। माय रिफंड मनी नॉट रिसीव भी आपको लिख लेना है गाइस। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसे सेम टू सेम लिख लीजिए गाइस, और आपका 100% रिफंड आपको मिल जाता है। और ये 24 से लेकर 48 हर्स में गाइस आपका जो कंप्लेंट है वो रिजॉल्व हो जाता है और आपका रिफंड आपके अकाउंट में आ जाता है। तो चलिए हम लिख लेते हैं, आई एम कैंसलिंग माय ऑर्डर बट माय रिफंड नॉट रिसीव टिल नाउ, प्लीज़ रिफंड माई मनी एज सुन एज पॉसिबल। तो गाइस इसके बाद आपको लिखना है थैंक्स एंड वार्म रिगार्ड्स। तो इतना आप लिख लेने के बाद सब्जेक्ट में आपको लिखना है रिफंड रिक्वेस्ट, या आप लिख सकते हो गाइस रिफंड नॉट रिसीव। तो यहाँ हम रिफंड रिक्वेस्ट लिख लेते हैं और एरो पे क्लिक करके सेंड कर देना है। तो गाइस अब हमारा जो ईमेल है कंप्लेंट का वो जा चुका है, 24 से लेकर 48 हर्स के अंदर आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाता है, और उनके तरफ से आपको कॉन्फर्मेशन ईमेल भी आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ नंबर भी दिया गया है, कॉल अस, इस पे भी कॉल करके आप अपनी कंप्लेंट कर लेना। तो गाइस आपको ईमेल भी करना है और कॉल भी करके बात कर लेना है, आपका ये जो प्रॉब्लम है जल्द से जल्द सॉल्व हो जाता है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ गाइस आपको ईमेल और कॉल करके दोनों बात कर लेना है। अगर आपका कॉल नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप ईमेल कर दियो, आपका ईमेल से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको कॉल करना है तो आप कॉल भी कर सकते हो। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारा रिफ़ंड कितने दिन में आता है।
तो गाइस मेरा 3 दिन लगा था जब आपका ऑर्डर उधर पहुंच जाता है जहां से आया था, तो आपका रिफ़ंड आपको मिल जाता है। अगर आपका ऑर्डर नहीं पहुंचा है तो आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा, आपको वेट करना है ऑर्डर पहुंचने का। तो गाइस अगर आपका ऑर्डर कैंसिल हुआ है या आपने कैंसिल कर दिया है तो भी आपको जल्द से जल्द रिफ़ंड मिल जाता है। 2 से 3 दिन लगता है, कभी कभी 1 दिन में भी आपका रिफ़ंड आपको मिल जाता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कम से कम आपको 4 से 5 दिन लगता है रिफ़ंड मिलने में, पर आपका 100% गाइस यहाँ रिफ़ंड मिल जाएगा। अगर आपको रिफ़ंड नहीं मिल रहा है तो कंप्लेंट कीजिए, जैसा मैंने आपको बताया कॉल करके या ईमेल करके आपका मिल जाएगा। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कॉमेंट करके आप बता सकते हो।